हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ही अच्छा। सो गाइस, आज मैं बहुत अच्छी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मैंने आपसे बोला था कि कुछ चेंजेस करने वाली हूँ मैं अपने ब्लॉग्स में। तो गाइस, चेंजेस ये हैं कि अब लाइक जैसे लोगों ने बोला है, जितने भी मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो भी हैं मेरे नोन, उन्होंने बोला है कि आप रेसिपीज़ व्लॉग डालो। डेली व्लॉग अच्छे लगते हैं हमें, लेकिन हम रेसिपीज़ भी सीखना चाहते हैं आपसे। तो गाइज, जब मैं कभी स्पेशल विजिटेशंस पे जाया करूँगी तो डेफिनेटली वो भी डालूँगी मैं, और साथ साथ रेसिपी व्लॉग्स भी मैं डालती रहूँगी साथ में। 2 डेज में या 1 डेज में मैं एक एक रेसिपीज डालती रहूँगी। तो गाइज़, प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिएगा, और आई थिंक मे बी डेफिनेटली मैं अगर अच्छी अच्छी जगह जाऊँगी तो वो भी दिखाऊँगी। तो रिसेंटली गाइज़, मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ, राजस्थान खाटू वाले बाबा जी के, श्याम बाबा के। तो गाइज, श्याम बाबा की स्टोरी भी आप लोगों से मुझे शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि श्याम बाबा कौन है। तो गाइज, मैं वो भी आपके साथ सारा शेयर करूंगी, बट पहले आप श्याम बाबा के वहां का ब्लॉग देखें, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगी सारी चीज़ें। तो गाइज, आप लोग जल्दी से देखिए और लाइक कीजिए भर भर के। ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ भाई, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो पेपर मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है गाइज, व्लॉगर जो होता है, व्लॉगर के लिए एवरी डे व्लॉग्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट गाइज, एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नहीं कई बार हो पाता है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि कई बार व्लॉग्स नहीं अगर मैं डाल पाती हूँ तो मैं कुकिंग के जो है रेसिपीज़ डालूंगी, जिससे सभी मेरे सब्सक्राइबर्स जो बोल रहे हैं कि आप खाना अच्छा बनाते हो तो आप उसके डालो व्लॉग्स, तो मैं वो आप लोगों को दूंगी। और गाइस, साथ के साथ जो भी व्लॉग्स विजिटेशन के होंगे वो दूंगी, ठीक है? सो गाइस, देखिए जल्दी से लाइक। तो गाइस देखिए, हमारी ट्रेन आ गई है और हम जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन करने। तो गाइस, बहुत दिनों से बुलावा नहीं आया था, लेकिन अब बुलावा आ गया है। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया, यहाँ भैया चाय बना रहे हैं तो हम चाय पियेंगे। वहाँ पे मम्मी वगैरह बैठे हुए हैं, आंटी, मम्मी, पम्मी, अब बढ़िया से चाय पियेंगे गाइस। और हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन अभी 1 घंटे बाद ये जाएगी, तो हम वेट कर रहे हैं गाइस। बुलावा आ गया, कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है ना? और आंटी लोग तो जाते ही हैं, हर महीने ही जाते हैं, तो बढ़िया मज़ा आ रहा है। और अभी हमने की जय, हारे के सहारे की जय। मम्मी जा रहे हैं, ट्रेन चलने वाली है, तो ट्रेन में फटाफट से। सो गाइज, ये हमारी ट्रेन है, हम जा रहे हैं सबसे एंड में, हमारा डब्बा ट्रेन में। मम्मी यहाँ बैठी है मम्मी, कितने घंटे? 8:30 बजे पहुँच जाएंगे अपन, 8:30 बजे रात शाम के ना, 8:30 बजे तक बाबा के दर्शन कर लेंगे। ट्रेन चल चुकी है, अब वेट है, पूरा डब्बा मंगा। मम्मी इधर बैठी हुई है, बगल बगल में है हमारी, मेरी। इस पालम आ गए हम, ये देखो कितने सारे प्लेन हैं, प्लेन ही प्लेन है। अब चलिए तेज की ट्रेन, बाबा के भजन चल रहे हैं ट्रेन में, बहुत अच्छा लग रहा है सुनते सुनते। मैं और मम्मी अभी एक साथ बैठ गए हैं, बहुत शांति मिल रही है। तो गाइस, हम लोगों को ऐसा ट्रिप बनाना चाहिए। मैं बहुत मतलब मैं तो पहली बार आ रही हूँ, देखते हैं बाबा का बुलावा आया है तो दर्शन करके और आपको भी दिखाएंगे। बहुत लोग हैं जो निशान लेके जा रहे हैं चढ़ाने के लिए पैदल यहाँ से, तो बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की नहीं इतना चलना है ना। निशान लेके जा रहे हैं, तो कितने दूर से आ रहे होंगे सोचो भाई, से पैदल पैदल बाबा के दरबार तक। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? रिवाड़ी पहुँचने वाले हैं, रिवाड़ी है अभी, ये गांव है वहाँ के, रिवाड़ी है। ये जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं बाबा के निशान उठाते हुए, श्याम बाबा की जय। और गाइस, सबसे अच्छी बात है आज जो है फुलेरा दोज है, और फुलेरा दोज पे जो है हमारे कृष्ण जी की और राधा रानी की जो है शादी हुई थी, अच्छे अवसर पर हम दर्शन करने जा रहे हैं। ये लंगड़ा रहा बिटियाँ, एक बच्चा टांगे बात तो निशान बिचारे, बच्चे को भी टांगा और निशान भी उठा रखा है। देखो गाइस, कितने सारे लोग जा रहे हैं, बूढ़ी आए मम्मी भी जिनने निशान उठा रखो, देखो
जय बाबा की और श्याम प्यारे की जय। बहुत लोग एटमोसफेयर इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से इतनी अच्छी ना मिट्टी की धीमी धीमी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उतर जाऊँ गाँव। वैसे ही मुझे पसंद है और गई साथ 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 निशान वाले भी इधर से जा रहे हैं, बीच बीच में से पूरे रास्ते में मिल रहे हैं जिस जिनने निशान उठाना, बहुत बड़ी बात है। गई इस तरह से तो चल नहीं पाते, ये लोग इतनी दूर निशान उठा के जा रहे हैं तो बहुत